हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तो आज से मैं हिंदी में व्लॉग करना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग का सजेशन था, तो इसलिए तो आज तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए क्योंकि आज चिन्मॉय फाइनली एक बाइक ले रहा है। पिछले वाले जो वीडियो था जहाँ पर मैंने बताया था एक बाइक देखने के लिए गया था हमने, तो इसका रीजन एक ही है, द चिन्मॉय एक बाइक लेने वाला है। तो कौन सा वाला बाइक आज चिन्मॉय ले रहा है? और मम्मी जी अभी काम कर रहा है, डोडो अभी छत पर है, बट किस चीज के लिए भौंक रहा है अभी मुझे मालूम नहीं। और भाई मौसम देखो, तो चलो देखते हैं, क्योंकि कल बहुत बारिश हुआ था इसलिए शाम को मैं रैकेट खेलने के लिए भी नहीं जा पाया। मौसम देखो कितना सुहाना है और थोड़ा थोड़ा करके सांड निकल आ रहा है। तो क्या हुआ, भौंक क्यों रहा है? जल्द से जल्द मुझे रेडी होना है, तो चलो फटाफट रेडी हो लेता हूँ। मैंने मेरा हेलमेट ले लिया, इसके साथ दो हेलमेट मुझे लेना है, ये वाला और ये वाला। आज मैं तो बाइक लेकर जा रहा हूँ और हमारे साथ, मतलब मेरे और चिन्मॉय के साथ और दो तीन फ्रेंड्स हमारे जा रहे हैं। और गाइस, दोनों हेलमेट तो मैंने ले लिया, बट मेरा बाइक का सिचुएशन देखो, मतलब पूरा गीला था कल, आज पूरा इसका अंदर डस्ट वगैरह सब कुछ भर गया है, क्योंकि पूरा दिन बारिश में इधर रुका था शाम को। तो अभी जितना हो सके मैंने सफाई तो कर लिया, बट अच्छे से सफाई नहीं हुआ। और हमारे घर में एक चीज़ कमन होता है, वो है डोडो का बाल। और देखो गाइस, रास्ते पे पूरा पानी भर गया है। तो चिन्मॉय हमारे लिए छोटा बाजार में वेट कर रहा है, क्योंकि आज मेरे से भी ज़्यादा चिन्मॉय बहुत ही एक्साइटेड है उसका बाइक के लिए, क्योंकि भाई बहुत दिन से वेट कर रहा था उसका बाइक, कब आएगा, आज फाइनली आ ही रहा है। और मैं अभी छोटा बाजार आ गया हूँ, बट ये कोरोना देखकर पता ही नहीं लग रहा है कोरोना आया है। देखो कितने सारे लोग हैं इधर, उधर चिन्मॉय भी बैठा हुआ है, तो बाइक को इधर साइड करता हूँ अभी। और फाइनली चिन्मॉय एंड होमित आ गया है। एक्साइटेड विशाल, हम भी बहुत एक्साइटेड, क्योंकि हम भी आज देखने जाएंगे स्कूटी के लिए। एक्साइटमेंट के वजह से अभी बहुत ठंड में कांप रहा है। होमित हुआ, हम जा रहे हैं। और ये वाला बाइक में चिन्मॉय अभी ड्राइव कर रहा है और ये पीछे बैठेगा। यू आर एक्साइटेड? Yo, I am so excited. है पेट्रोल पंप, अभी बाबा जी का बाइक में पेट्रोल भरवाना है। आज का मौसम थोड़ा थोड़ा करके बारिश हो रहा है और सड़क पूरा खाली है, बाइक चलाने में भी बहुत मजा आ रहा है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं मीरहटी, पहले जाएंगे मनोजदा का शॉप में, क्योंकि हम लोगों के लिए मनोजदा वेट कर रहा है। तो मनोजदा आ गया, ये वाला है मनोजदा का दुकान। मनोजदा, तुम्हारा गाड़ी किधर है? तो हम अभी इस रास्ते पे जा रहे हैं वो शॉप पे, बाइक वाला शॉप पे। देखो भाई रास्ता देखो कितना अच्छा है यार, कैसा लग रहा है अमित हुआ? फाइनली हम लोग आ गए हैं बाइक का गैरेज में, जहाँ से हम लोग आज लेने वाले हैं चिन्मॉय का बाइक। भाई कैसा लग रहा है चिन्नू, बोल। कैसा एक्साइटेड, ऐसे करके नहीं बोल रहा है यार। चिन्मॉय का बाइक ए है, ये एक्सट्रीम वाला हीरो, क्योंकि उसको पसंद आ गया और बजट में भी आ गया। कैसा लग रहा है भाई, बोल। पूरा नया जैसा ना। देखो भाई चिन्मॉय का नया बाइक।
अभी चीन मोआ ये वाला बाइक अभी चला आएगा, क्योंकि आज भाई का बहुत ही अच्छा दिन है। और गाइस देखो उधर भाई आ रहा है उसका एक्सट्रीम लेकर, कैसा लगा? माखन जैसा। फाइनली गाइस चिन्मय का पेपर वर्क पूरा कंप्लीट हो गया, अब हमारा मतलब मेरा भाई का गाड़ी आ गया है। क्या हुआ? वही तो फर्स्ट गियर का और सेकंड गियर का अंदर है थोड़ा सा। ओ भाई, तो हमारा इधर का काम हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं घर में। देखो गाइस हमारे कलकत्ता में ये भी होता है। मनोज दा एंड चिन्मय जा रहा है थोड़ा सा काम कराने के लिए बाइक को, तो हम अभी जाएंगे घर। ए टाटा, ए बाय बाय टाटा। और गाइस आज का वेदर देखो, पूरा बादल फैला हुआ है, कभी भी बारिश हो सकता है और बहुत ठंड लग रहा है यार। तो अभी बरसात पहुंच गए हम, तो पहले जाएंगे महाश्वेता के घर में, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही एक अच्छा खाना पकाया। तो अभी मैं श्वेता के घर के सामने चला आया हूँ और श्वेता लेकर आ रहा है मेरे लिए जो खाना वो पकाया। देखता हूँ कौन सा चीज वो मेरे लिए बनाया है। श्वेता क्या है? मैंने वेज मक्खन वाला बनाया है खाना। वेज क्या? वेज मक्खन वाला। और उसके साथ डोडो के लिए चिकन लेकर आए? डोडो के लिए सुबह चिकन लेकर आया। और ठीक है, टाटा भाई। व्यूअर्स को टाटा बोल दो। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। क्या खबर? तो शांति आ गया है। तो दोपहर में अभी खाना का टाइम हो गया और मम्मी जी मेरा खाना दे रही है। दोपहर में आज हुआ है पनीर का सब्जी और श्वेता के पास से लेकर आया था बैंगन का सब्जी, और बगल वाले आंटी ने मुझे दिया है और बैंगन का सब्जी, उसके साथ क्या है लाओ। और गाइस फाइनली एंड एट लास्ट हमारा इंटरनेट कनेक्शन बैठ गया है, बट ये वाला जियो फाइबर नहीं है, लोकल केबल ऑपरेटर है, क्योंकि जियो फाइबर आने में और 3-4 महीने लग जाएगा, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया, क्योंकि बहुत ही दिक्कत हो रहा था तो मैंने लोकल वाला जो इंटरनेट कनेक्शन है वो वाला लगा लिया। तो ये है मेरा जो फाइबर लाइन और ये वाला जो राउटर मैंने पीतूल से लिया था। और आज का वीडियो रेंडरिंग पूरा कम्प्लीट हो गया है, तो फाइनली आज का पूरा दिन बहुत ही अच्छे से कट गया है, क्योंकि पहले तो हमने चिन्मय के लिए एक बाइक लिया, उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन भी आ गया। तो आज का वीडियो इधर खत्म करता हूँ, क्योंकि बहुत ही रात हो चुका है, अभी बज गया है 10:25। तो चलिए आज के ब्लॉग को खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए, टाटाज। हाय गाइस वेलकम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपको नहीं हुआ? नहीं। हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग।